नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, स्टडी कैपिटल की पिछले चार वर्षों से एक सीरीज चली आ रही है ज्ञान की बात होनहारों के साथ। इस सीरीज में हम बात करते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से जो स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट्स रहते हैं, यानी स्टडी कैपिटल के माध्यम से जिन्होंने तैयारी किया रहता है और साथ में किसी न किसी टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं फ्रिया, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे इस इंटरव्यू में। और साथ में आप देख सकते हैं हमारे उत्कर्ष सर भी साथ में, तो सर आपका भी वेलकम है इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच सर। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे CUET MA/MSc साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी पर, कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, क्या तैयारी के तरीके रहे और साथ में इनके द्वारा क्या टिप्स है आप सभी के लिए जिसको फॉलो करते हुए आप भी एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर सके। तो ये इंटरव्यू अलग अलग फेजेज में होगा और आपको वो सारे टिप्स बताए जाएंगे जो आप सभी के लिए जरूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, सारी अपडेट्स और प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चैनल है आप सभी के लिए CUET के लिए। तो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को भी जानना होगा कि आप की स्कूलिंग कहाँ से हुई है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ और साथ में अभी आप कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। Hello everyone, I am Priya Vyas and I am currently pursuing my Master's in Psychology from Vasant Kanya Mahavidyalaya BHU. I am basically from Shajapur district of Madhya Pradesh and I completed my Bachelor's in Psychology Honours from Bhopal School of Social Science and my 11th and 12th was in Biology. And I cracked CUET entrance with 229 score. I also cracked the National Forensic Science University entrance, Christ University entrance and secured first position in DABB entrance, which is a state university in Madhya Pradesh. Okay, बढ़िया। तो मध्य प्रदेश से फ्रिया के स्कूलिंग हुई है और बाकी इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। और आप देख सकेंगे कि आज का ये इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन होगा BHU से रिलेटेड, क्योंकि ये BHU के अफिलिएटेड कॉलेज में है और आज आपको BHU के अफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस के कंपैरिजन को भी देखने का मौका मिलेगा। तो अब मैं चाहूंगा कि एक दो और मेरे सवाल होंगे, उसके बाद मैं माइक फॉरवर्ड करूंगा उत्कर्ष सर को। पहला सवाल जनरली मेरा यही होता है जो BHU के स्टूडेंट्स होते हैं और हमारे स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े होते हैं, BHU के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहला पर्सपेक्टिव या फिर BHU के बारे में थिंकिंग क्या है आपकी, आपके डिपार्टमेंट और BHU के कैंपस के बारे में। So, BHU हमेशा से एक ड्रीम यूनिवर्सिटी रही है मेरे लिए। आई कम्प्लीटेड माई बैचलर्स फ्रॉम भोपाल एंड उसी टाइम से मेरा था मन कि मुझे BHU में पढ़ना है। एंड BHU का कैंपस इज लवली, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। एंड रही बात मेरी कॉलेज की वसंत कन्या महाविद्यालय, इट्स एब्सोल्युटली लाइक रियली वेरी गुड। द डिपार्टमेंट इज गुड, द फैकल्टी इज रियली नाइस एंड ऐसा कोई डिफरेंस एज सच नहीं लगता कि मेन कैंपस से कुछ छूट रहा है VKM में। वहाँ पे भी काफ़ी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाता है, एजुकेशन लेवल इज रियली गुड। तो आप सभी के मन का एक भ्रम दूर हो गया होगा कि अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ना बेहतर है या फिर नहीं है, इन्होंने बता दिया और खास करके आपको MA/MSc साइकोलॉजी के कोर्स के लिए। अब मैं माइक फॉरवर्ड करूंगा, मेरे और भी सवाल बचे हुए हैं लेकिन उत्कर्ष सर के सबसे पहले कुछ सवाल हो जाए फिर मैं माइक अपने पास लूंगा और कुछ और सवालों पर आऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस प्रिया, आपने इतने सारे जगह रैंक्स को सिक्योर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस प्रिया, आपने इतने सारी जगहों पे रैंक्स को सिक्योर किया। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो मैं आपसे सबसे पूछता हूं कि किस चीज को मोटिवेट किया, क्या मोटिवेट किया आपको कि आप साइकोलॉजी को परस्यू करो एज अ करियर, एज अ लाइफ ऑप्शन कि आप लाइफ टाइम इस सब्जेक्ट से मुझे अटैच करना है। 11th 12th से मुझे इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, लाइक आई हैव एन दिस इंक्यूसिटिव पर्सनालिटी, आई ऑलवेज वांट टू नो व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग द वे इट इज। सो माइंड के बारे में इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट, एवरी पर्सन बिहेव इन डिफरेंट वे, ऐसे वहीं से क्यूरियस थी कि व्हाई दिस इज सो, व्हाई एवरी पर्सन बिहेविंग इन डिफरेंट वे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। एंड यही जो मेरी क्यूरियोसिटी थी मुझे साइकोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करा था। ऑलराइट, तो जब CUET प्रिपरेशन फेज में आपने एंट्री ली, आपको लगता था कि हाँ अब आई एम रेडी, क्या मुझे CUET PG के लिए प्रिपेयर करना है, तो लगभग आपने कितने महीने पहले, कितने टाइम पहले ये डिसाइड किया कि फाइनली आज से ये दिन है जहाँ से मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू डिड फॉर द प्रिपरेशन, क्या आपने कोई गूगल सर्च किया, क्या आपने यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, पहली चीज वो क्या थी जो आपने एकदम डे फर्स्ट पे प्रिपरेशन के शुरू की? मैंने प्रिपरेशन देखा जाए तो मैंने UG में ही पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था सिलेबस कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, तो बुक्स को अच्छे से रीड करा था, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। एंड मैं फाइनल ईयर में थी, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स कोविड में थे, सो जब मैं फाइनल ईयर में थी तब मुझे स्टडी कैपिटल के बारे में यूट्यूब से पता चला था।
एंड मुझे अफोर्डेबल भी लगी थी काफ़ी कोचिंग. सो आई वॉज लाइक कि हाँ आई कैन गो फॉर इट. एंड फिर मैंने सर के वीडियोज देखे थे एंड चैनल वॉज रियली रियली हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर पार्ट बी ऑफ सी वी टी बट ऑल्सो फॉर पार्ट ए. एंड मैंने सर की ही एक्चुअली लेक्चर्स देखे थे, सर के ही नोट्स प्रेफर करे थे. एक बेसिक बुक थी सिसरेली जो मैंने प्रेफर करी थी एंड मैंने एमसीक्यूज काफ़ी सॉल्व करे थे. बाकी यूजली मैंने सर की ही सब वीडियोज देखी थी एंड उन्हीं के नोट्स को फॉलो करा था. सो बुक्स को लेके काफी ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि किस तरह के बुक्स रेफर करते हैं. उन लोग को जल्दी ये थिंकिंग रहती है कि कोई टॉपर्स ऐसी बुक रेफर करते हैं मैजिकल बुक जो हमें नहीं पता चल पा रही है कहाँ पे, या जो कोचिंग्स में बुक बताई जाती है बहुत मैजिकल बुक है. तो कौन सी आपने वो मैजिकल बुक्स प्रिपेयर करी थी अपनी प्रिपरेशन के लिए? मैंने सिसरेली ही प्रेफर करी थी. फॉर रिसर्च मैंने ए के सिंह प्रेफर करा था. फॉर सोशल साइकोलॉजी बैरन इज रियली गुड. बाकी या मैंने एमसीक्यूज पे काफ़ी फोकस करा था. पीवाईक्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट. उसके अलावा मैंने सिर्फ उत्कर सर के नोट्स ही प्रेफर करे थे. दे वर मोर देन एनफ. ओके सो अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे नोट्स कोई बहुत मैजिकल नोट्स नहीं होते हैं. मेरे नोट्स में वही सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको बुक्स पर भी मिलेंगी. इस जस्ट कि वो नोट्स इस तरह से प्रिपेयर होते हैं कि अगर आपने मेरी क्लासेस कर रखी हैं देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दोज नोट्स. वो आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बुक्स रिलेटेड नोट्स उतने नहीं होते हैं. ओके कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि पी वाई क्यूज पे आप बार बार रेफरेंस कर रहे हो तो कैन यू एस्टिमेट आपने रफली लगभग लगभग कितने एम सी क्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे अपने पूरे प्रिपरेशन के? रफ एस्टिमेट अब इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एमसीक्यू अलग अलग था. कई पेपर्स को मैंने इतनी बार सॉल्व किया था कि वो पेपर्स रट गए थे मुझे. तो जब मैं बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर्स को याद कर लेना है तो वो रटना मतलब ये नहीं कि बैठ के रटो, इतनी बार सॉल्व कर डालो कि रट जाए क्वेश्चन. तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती थी? मैं टाइम लिमिट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना प्रेफर करती थी बिकॉज एक्यूरेसी मैटर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. मैं आई प्रेफर फ्यू बुक्स लाइक आर गुप्ता, एबी साइकोलॉजी 500. तो मैं इन सबके क्वेश्चंस एक बार में एक यूनिट के लगाती थी एंड देन आंसर चेक करती थी. अगर मैं कहीं पर रुक गई हूँ, कोई आंसर गलत है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं वापस उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ूँ और मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो कि ये क्वेश्चन में क्या नहीं आया और आया तो क्या चीज़ गलत थी. थैंक यू सो मच. अब अगेन हम लोग नॉन सब्जेक्ट से हट के एक जनरल सीवीटी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो मैं हैंड ओवर करूंगा विपुल सर को ताकि वो इस इंटरव्यू को कंटिन्यू कर सके. थैंक यू सर. और जैसा कि अभी अफ्रिया जो है कुछ चीजें मेंशन कर रही थी स्टडी कैपिटल के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि स्टडी कैपिटल स्टूडेंट्स को इन जनरल तौर पर किस तरीके से हेल्प करता है, आपके तरफ से क्या पर्सपेक्टिव है स्टडी कैपिटल के लिए? स्टडी कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था बिकॉज ना ही सिर्फ की साइकोलॉजी और पार्ट ए के लिए बट उसके अलावा भी सी यू ई टी के फॉर्म्स कब निकल रहे हैं, कब लास्ट डेट है, कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल रहा है, ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन बी एच. इनफैक्ट आई रिमेंबर विपुल सर वॉज देयर फॉर अस ऑन यूट्यूब चैनल टिल वी गेट बी एच यू रिजल्ट एंड रिजल्ट डिले हो रहा था उस टाइम पर भी. On every part, Vipul sir and this Study Capital channel was there for us to know every bit information about the competitive exams of CUET. तो ये जो वैल्यूज और ये जो चीजें जो रिमार्क्स हमें मिलते हैं यही हमें खुशी देते हैं. और स्टडी कैपिटल इसी तरीके का वादा करता है हर ईयर के स्टूडेंट से कि जब हम आपसे शुरुआत में जुड़ते हैं और टिल एडमिशन यानी आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं. कुछ और पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं जैसा कि जरूरी हो जाता है सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के. मैं जनरली सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ कि उनके टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी क्या रहा था, क्या तरीका रहा था, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के होते हैं और ग्रेजुएशन पास कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती है, भले ही सिलेबस सेम होता है लगभग, लेकिन फिर भी क्या स्ट्रेटजी होती है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के टाइम मैनेजमेंट के लिए? As I was a regular student in bachelor's, so काफ़ी टाइम कॉलेज में भी जाता था. कॉलेज के खुद के एग्जाम्स भी होते हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, आगे और क्लब एक्टिविटीज़ भी हैं. सो उन सब के साथ मैनेज करना लिटिल बिट हैक्टिक हो जाता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए. आई मेक श्योर कि मैं एक भी दिन ऐसा ना जाए जब मैंने पढ़ाई नहीं करी है. एटलीस्ट नहीं भी मन कर रहा है तो एक घंटा तो करना है, एटलीस्ट एमसीक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज लगाना है. सो टाइम मैनेज ऐसा था कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना ही है, बट आई मेक श्योर कि मेरा डेली टारगेट कम्प्लीट होना चाहिए. And revision is the key. Revision is really very important. I completed my course in January and उसके बाद मैंने revision ही किया था and काफी MCQs लगाए थे. आप revision और MCQ पर focus कर रही हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि entrance exam से अगर 15 days या 20 days बचे हैं
तो उसमें रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होती है और पीवाईक्यूज किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट्स को अंदाजा नहीं रहता है क्या मैं पीवाईक्यूज सिर्फ सीयूईटी का सॉल्व करूं या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो पहले एंट्रेंस एग्जाम होते थे वो भी पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए, या फिर जो मॉक टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं आप सभी के लिए? MCQs प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज से ही लगा देना शुरू कर देने चाहिए. हर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आप लगाते जाएं तो वो बेटर होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है विद MCQs. बट अगर आपका टाइम जैसे एग्जाम के नियर बाय है तो आई वुड से कि आप सिर्फ PYQs पे फोकस करें. तब आप और क्वेश्चन बैंक्स पे जाएंगे तो मे बी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस हो या थोड़े हाई लेवल होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि मुझे ये नहीं आता. बट CUET का लेवल उतना जाएगा वो जरूरी नहीं है. सो मेक श्योर कि आप PYQs लगाएं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि CUET में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. बढ़िया, तो ये सारी स्ट्रेटजी आप लोग अभी श्रेया से सुन रहे हैं, और मैं एक बार फिर से माइक हैंड ओवर करूंगा उत्कर्ष सर को कि कुछ और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है तो जरूर करें. सो श्रेया, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपसे पूछा जाए, कोई एक एस्पिरेंट है CUET का, वो पूछता है कि आप मुझे कोई 3 ऐसे टिप्स दे दो जो कि मस्ट है मुझे फॉलो करनी है अगर मैं अपने CUET अच्छे नंबर से क्रैक करना चाहूंगा, तो वो कौन सी 3 टिप्स होंगी? फर्स्टली तो आई वुड से कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आएंगे, कुछ से ज़्यादा आएंगे. MCQs जैसे कि मैं फोकस कर रही हूँ, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. MCQs लगाने चाहिए. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पार्ट ए को नेगलेक्ट नहीं करें पूरी तरीके से, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है आपका स्कोरिंग में. 100 मार्क्स पार्ट ए के लिए होता है, तो एटलीस्ट आई प्रेफर लाइक स्टडी कैपिटल वीडियोज ओनली फॉर पार्ट ए. सो मेक श्योर कि आप वीडियोज देखें और उनकी भी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस रखें, सो दैट CUET में अच्छा स्कोर आ सके. ओके, थैंक यू सो मच श्रेया फॉर योर इनसाइट्स. एंड इन लोग का बैड लक यही था कि इन लोग के टाइम तक ही पार्ट ए वॉज इंक्लूडेड, सो इस बार से पार्ट ए इज गॉन. सो आई रियली विश कि तुम लोग भी इस चीज में आते, तुम लोग मे बी और अच्छे स्कोर कर सकते थे. जो 220 मार्क्स थे मे बी 250 हो सकते थे, 280 मार्क्स थे मे बी 300 हो सकते थे. सो पार्ट ए कहीं ना कहीं बमर रहता है, बट इस बार के लिए आप लोग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है. पार्ट ए हट गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो जाओगे, बिकॉज पार्ट ए हटा है दैट मींस कि पार्ट बी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो. ओके, सो अब मैं माइक पीपल सर को हैंड ओवर करता हूँ ताकि वो इंटरव्यू को रैप अप कर सके. थैंक यू सर. और मैं चाहूंगा एक और सवाल फिर आपसे लास्ट में करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो भी इंटरव्यू लेते हैं स्टूडेंट से, सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है और आपने जो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया उसके टिप्स पूछे जाएंगे. लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस तरीके से आप टिप्स बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, मैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप बताना चाहो स्टूडेंट्स को कि आप फ्यूचर में साइकोलॉजी को लेकर के या फिर अपने गोल को लेकर के आगे क्या करना चाहते हो? मेरा मेन गोल रिसर्च की तरफ है एंड मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. दैट्स आल्सो द मेन रीजन दैट आई चूज BHU. एंड देर आर एक्चुअली मैनी अपॉर्चुनिटीज इन साइकोलॉजी. लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं है, पैसे नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आपको पैशन है साइकोलॉजी के लिए तो आप अर्न कर सकते हैं. इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हैं अवेलेबल, दे पे यू गुड अमाउंट. सो इट्स नॉट लाइक कि पैसे नहीं है, पैसे हैं. एंड आई पर्सनली चूज रिसर्च बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट. ओके, थैंक यू श्रेया आपको इंटरव्यू में जुड़ने के लिए और साथ में स्टूडेंट्स के साथ अपने टिप्स शेयर करने के लिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक किया. और जैसा कि आपने बताया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उम्मीद करते हैं कि आप उस पद पर पहुंचे और तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करें बहुत ही अच्छे ढंग से. और अगर आप जैसे प्रोफेसर पहुंचेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत ही बेहतर होगा. तो ये था एक छोटा सा इंटरव्यू आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स CUET MSc साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आगे आने वाले समय में आपको स्टडी कैपिटल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको गाइडेंस हम देते रहेंगे. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा. और अगर आप CUET MA MSc साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके उत्कर्ष सर आपके साथ हैं और स्टडी कैपिटल की पूरी टीम आपके साथ है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके. बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं और साथ में आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए, स्टडी कैपिटल से कनेक्टेड रहने के लिए, CUET की किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा अपना नाम, अपने कोर्स का नाम. हम आपको अपने साथ रजिस्टर रखेंगे और आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए. ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत धन्यवाद, नमस्कार.